गैस जो हम गलती कर रहे हैं वो आप लोग मत करना, हमारी मजबूरी है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड इन दिस रेनी सीजन। बारिश ने इतनी तबाही कर दी है कि पूछो मत यार, घर से बाहर निकल नहीं सकते और ट्रैवल करना तो मतलब इट इज़ लिटरली नॉट सेफ। मैं बहुत बोर हो गया हूँ यहाँ पर यार। मेरे एक फ्रेंड ने और मैंने प्लान बनाया कि हम अपने गांव के आसपास की जगह को एक्सप्लोर करें और कैंपिंग करते हैं यहाँ पर। सो गाइस स्टे ट्यून्ड ये जानने के लिए कि क्या हमें कोई कैंपिंग साइट मिली, और अगर मिली तो कैसा रहा हमारा कैंपिंग एक्सपीरियंस, क्या आप लोग भी वहाँ पर आ सकते हो, कैंपिंग कर सकते हो या नहीं। टेंट, स्लीपिंग बैग और खाने पीने का सामान, बर्तन भी है इसमें, बाकी सामान आगे से मिलेगा। निकल रहे हैं हम और टाइम हो चुका है 6:30 इवनिंग के। एक जगह हमने देखी है और लेट्स सी कैसी होती है। हम गए हैं यहाँ से, बस मेरा एक फ्रेंड आ रहा है और फिर हम जाएंगे। सब लोग पूछ रहे हैं कहाँ जा रही हो ये सामान लेकर, समझ नहीं आ रहा है क्या बोलें अब उनको। जो भी मिल रहा है गाली दे रहा है क्यों। चल डेयरिंग। नदियां नाले पार करके 7 बजने वाले भाई, और ये अंधेरा हो जाएगा हमारे को कैंप वगैरह सेटअप करते हुए। एकदम भागा वो, देख पार से देख रहे हैं हमारे को यार, लोग देख ऐसे देख रहे हैं ना, ऐसे देख रही है कर क्या रहे हैं यार। आप इतना पार नजर लगा नहीं, पार मत देखियो, देख मत लियो उस साइड को, फैल चुकी है कल नीचे ना आ सब देख रहे थे, अभी भी देख रहे हो। चल पड़ी है लेबर पार्टी तंबू गाड़ने के लिए। भाई लोगों ने देख देख के मजे किए हुए थे, लोग गालियां मार रहे थे, गालियां क्यों रोहित, सेट हो रहा है पर बादल है तो इसलिए कुछ नहीं दिख रहा। तो गाइस जहां हम जा रहे हैं वो हमारे घर से अराउंड 1 और 1.5 किलोमीटर्स हैं, एंड लोकेशन काफ़ी अच्छी है, हम लोगों को बड़ी पसंद आई थी यार। क्यों, वी आर अबाउट टू रीच आई गेस इन 10 मिनट्स और 15 और 20। हाँ सफाई करनी पड़ेगी यार वहाँ की, सफाई भी और खाई भी करनी पड़ेगी। अच्छा हाँ खाई मेन है यार। बस यार रात को जानवर ना है क्यों, और यहाँ पर बड़ा रिस्क रहता है जानवर का, मेरे को रास्ता भी नहीं दिख रहा नीचे को लेफ्ट। भैंस की आँख, चलो पहला। In the jungle, mighty jungle. We are about to reach our location, जहाँ पर हमने कैंपिंग करनी है। थोड़ा सा ही रहता है रास्ता, बड़ा खतरनाक है यार। Finally we have reached our location. ये हमारी लोकेशन है, बहुत तो हम सामान लेकर आए हैं अपनी कैंपिंग के लिए, और हमने सोचा है कि हम यहाँ पर कैंपिंग करेंगे। अभी इसको थोड़ा साफ़ करेंगे, ये जितना भी घास है ये साफ़ करेंगे, और फिर यहाँ पर टेंट लगाएंगे और मस्त कैंपिंग करेंगे। जाते ही पसीने आ गए यार, थक गया मैं बहुत। चलो तो चलिए शुरू करते हैं। भाई इतनी मेहनत
खेतों में की होती ना टमाटर लगाने के लिए सबसे अमीर आदमी बन गया होता। पसीना पसीना ही पसीना भाई होगी। अब हमारा अब यहाँ पर हम टेंट लगाएंगे, यहाँ पर आग जलाएंगे, मस्त व्यू देखेंगे, सुबह उठ के नहाएंगे फ्रेश वाटर में। तो गाइस हमारा कैंप हो गया सेटअप, और जो हम सामान लेके आए हैं वो मत देखो ऐसे, प्याज टमाटर आलू सब कुछ है भाई, सोना चांदी, ऊपर से नारियल भी है। इससे हम ब्लॉग की शुरुआत करेंगे। लस्सी लेकर आए हैं, प्लस बहुत कुछ है, धीरे धीरे निकलेगा। आग की हो चुकी है तैयारी, अब लगानी है माचिस और जल जाएगी आग। वो हमारे पास बर्तन भी हैं। जय श्री राम। ऐसा ना हो पूरे जंगल में आग लग जाए। नहीं ये पॉसिबल नहीं आजकल, आजकल तो है नहीं पॉसिबल। ओ यार कीड़े ना जलें इसमें। तो लो बात बन गई और आग जल गई। आंसू निकल गए, आग जलाते जलाते। चल बढ़िया हो गया यार। तो गाइस ये हमें बहुत अच्छी लोकेशन मिल गई है यार, यहाँ से रिवर व्यू भी है, अभी तो नहीं दिख रहा क्योंकि अंधेरा है, और यहाँ पर हमें हमने अपना जो है टेंट सेटअप कर लिया है, आग जला ली है, और वो सामने आपको अगर दिख रही होगी पहाड़ी एंड लाइट्स दिख रही हैं तो दैट इज़ कसौली। यहाँ से एकदम मस्त व्यू है यार, और शांति है, पानी की आवाज़ है, पानी का शोर है, मस्त है एकदम। अब थोड़ी देर बाद हम कुछ अपना मील प्रिपेयर करेंगे, जो भी डिनर करना होगा हमने, जो भी लेकर आए, लेकर तो बहुत कुछ आया, हम समझ नहीं आ रहा क्या खाएं। सो यार हमारे पास खाने के बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बट हमने सबसे पहले सोचा कि हम पतीड़ लेकर आए हैं घर से। आई होप यू गाइज नो वट इज़ इट, नहीं पता है तो मैं बता दूंगा। और आलू लेकर आए हैं, करें अब शुरू करें। हम बना रहे हैं फिंगर चिप्स, देखते हैं कैसे बनेंगे। लो स्वाहा, ओम भट स्वाहा, खिलौना बना खिलना। अबे इनको जगह भी तो चाहिए होगी घूमने के लिए, क्या लगता है कैसे बनेंगे? अच्छी चीज है जिस हिसाब से मेहनत की है, बट जैसे भी बनेंगे खा लेंगे, खाने पड़ेंगे साले, बुरे भी पड़ेंगे तब भी ये बोलना पड़ेगा बहुत टेस्टी है, वाह मजा आ गया, वाह ताज वाह। तो हमारे फिंगर चिप्स हो गए हैं रेडी, बस इसमें भर भर के तेल भी आ रहा है साथ। कैसे लग रहे हैं दोस्तों? माँ कसम मेरे तो मुंह में पानी आ गया। तेरी कसम। ओ भाई क्रंची क्रंची, मैकडी के खाने छोड़ दो और आदर्श दा ढाबा के खाओ, बींगी मछली ढाबा। तो भाई कौन कौन खाना चाहता है ये फ्रेंच फ्राइज मेड बाय आदर्श एंड रोहित, स्पेशल फॉर यू गाइस, इफ यू वांट यू कैन हैव, एक एक ही उठाना बाकी हमारे लिए। कसम से यार क्या क्रंची और
ओ भाई पूरा चिप्स है, है ना, बहुत ज़्यादा टेस्टी। जब फ्रेंच फ्राइज हमने बनाई, अब बारी आती है पतीड़ की। कुछ जगह पतीड़ कहते हैं, कुछ जगह पतरोड़े भी कहते हैं। तो ये जो फोटो है ऐसे से दिखता है वो, और बनने के बाद दिखते हैं कुछ ऐसे से। प्रिपेयर करके दिखाते हैं फिर। हमारे पास हो गई हैं लकड़ियाँ कम, और हम जा रहे हैं लकड़ियाँ लाने। जा यार, यहाँ पे ना पानी बहुत है यार। One hour later. So guys, ये होते हैं पतरोड़े या फिर पतीड़। देखने में होते तो बहुत सही है यार, ये हमने नाश मार दिया इसका। बाकी खाने में तो टेस्टी होंगे, आई एम प्रीटी श्योर। गैस, जो हम गलती कर रहे हैं वो आप लोग मत करना। हमारी मजबूरी है कि हमारे पाँव गंदे हैं, और हम गंदे पाँव से अपने टेंट में नहीं जा सकते। बट कभी यार ऐसे रात को नहीं जाना चाहिए नदी में या कहीं भी ऐसे। इट इज़ वेरी रिस्की यार, पर हाँ मज़ा रहा है यार। सोचा मैंने भी नहीं था भाई, और मेरे हिसाब से चल हो गए पाँव साहब। Two thousand years later. So guys, अब हम टेंट के अंदर आ चुके हैं, और हमने सबसे बड़ी गलती ये की कि हमने टेंट को पहले बंद नहीं रखा था, और इसके अंदर कीड़े मकौड़े आ गए हैं यार। इतनी मुश्किल से पकाए हैं अभी। अब है सोने का टाइम। बाकी इट वॉज फन, मज़ा आया अभी तक हमने जो कुछ किया। सो ऑल इन ऑल अभी तक तो मस्त था। अब सुबह देखते हैं सुबह कितने बजे नींद खुलती है। ओके, गुड नाइट, बाय बाय फ्रेंड्स। द नेक्स्ट डे। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। सुबह हो चुकी है, और रोहित ऑलरेडी चला गया है यहाँ से बाहर। ही इज़ जस्ट एंजॉइंग द व्यू। मैं भी निकल रहा हूँ, देखते हैं बाहर का व्यू कैसे, और आप लोगों को भी दिखाते हैं आज। दिस इज द व्यू। You can see the greenery. So guys, सुबह ब्रेकफास्ट में हमने मैगी बनाई है, जिसमें डली है ऑफ कोर्स मैगी, प्लस प्याज, प्लस शिमला मिर्च, और एक मिर्च और लाल सोना। सो कैसी लग रही है गाइस देखने में? डिलीशियस लग रही है। सो गाइस, आई मस्ट से कि यहाँ का व्यू रियली अमेजिंग है यार। रात का भी अपना एक अलग नज़ारा है, और दिन का भी। सो अर्ली मॉर्निंग सही में, और अभी यू कैन सी कैसा सा नज़ारा है यहाँ का। पता नहीं यार, आई डोंट नो ये कैमरा में कैसा दिख रहा होगा। किसने सही कहा, सम मोमेंट्स कैन नॉट बी कैप्चर्ड,
दे आर मेंट टू बी लिव्ड। ऑब्वियसली मैंने तो नहीं कहा, मैंने कहीं पढ़ा था ये। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, काफ़ी अच्छी लोकेशन है एंड आई एम प्रिटी श्योर कि मैं यहाँ पर फिर आऊँगा कैंपिंग करने, अपने फ्रेंड्स को भी लेकर आऊँगा एंड अगर कोई और भी आना चाहेगा तो मोस्ट वेलकम।